इनके लब रंगी मिठावर के जिसने वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुलाम हुसैन है, वितर के ताल्लुक से सवाल है और एक दो सवाल वितर के ताल्लुक से और भी हैं। मजमूआ बयान करता हूँ मैं कि इशा में जो वितर हैं उनका हुक्म क्या होता है, यानी पढ़ने के एतबार से सुन्नत है, फ़र्ज़ है, वाजिब है या छोड़ने के एतबार से। इसी तरह ये तीन ही क्यों हैं, इसका मतलब क्या होता है वितर का, तो इन सब के बारे में सवाल है। तो जवाब इसका यह है कि जो वितर हैं वो ताक अदद को कहते हैं। ताक ये लुगवी माने इसके, ताक अदद मतलब जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ऑड एवन, जिसको हिंदी में आप सम विषम बोलते हैं ना, उसको कहते हैं। तो इसमें जो ऑड होता है ना, यानी विषम संख्या, उसको कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, जिसको ताक नंबर बोलते हैं। तो वितर इसीलिए इसको बोलते हैं कि वितर का मतलब भी ताक होता है, यानी विषम नंबर, सम विषम, यानी जो दो से विभाजित ना किया जा सके, शायद हिंदी में इस तरह इसकी डेफिनेशन होती है। तो इसीलिए इसको जो है ना वितर कहते हैं। और ये शरीयत मुतहरा में इशा की नमाज़ के फ़र्ज़ के बाद और सुबह सादिक से पहले जो है इसका वक्त है, और इसका हुक्म अहनाफ के वहाँ ये वाजिब है, यानी इसका पढ़ना, और इसका छोड़ना ये नाजायज़ गुनाह है, और अगर छोड़ा तो इसकी कज़ा भी करना फिर वाजिब है, यानी वितर की नमाज की। पत्थर में हसन लाले पुरनवार।